शुरू करते हैं एक सिलसिला जो पहली बार होगा कि हम फैंस से इंटरेक्ट करेंगे और फैंस हमसे इंटरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि कौन सा फैन है जो कोई प्रश्न पूछना चाहेगा। क्या हाल है, पहले अपना नाम बताएं, कहां से आए हैं आप? सर मेरा नाम भी अक्षय है। आपका नाम भी अक्षय है? क्या कसम से मैंने जानबूझ के नहीं चुना है। सीधे साधे अक्षय की बात है। अगला कोई बात नहीं, अगला मैं अभिषेक चुनता हूँ। सर मैं पुणे से आया हूँ, मेरा नाम अक्षय। कौन से कोने से? पुणे 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 से कोने से आया कोने से आया हूँ। अच्छा हाँ, पुणे से आए। बोलिए बोलिए सर। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताए क्या पूछना चाहेंगे सर? आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा हाउसफुल 3 शूटिंग? आप बन गए जर्नलिस्ट रितेश के साथ। एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए बहुत मजा आया। जैसे अभी हम जब से आए हैं ऊपर हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उसी हिसाब से इस फिल्म के अंदर हमने सिवाय मस्ती के कुछ नहीं किया। ये एक ऐसी फिल्म है, मैं कह सकता हूँ कि हाँ पिक्चर भी बनाई लेकिन मस्ती कितनी की है। बहुत मजा आया एक्सपीरियंस के अंदर। वैसे हमेशा अपने काम के अंदर ये इतनी मस्ती रखनी चाहिए ताकि हम अपने काम को पैशन रखें, उसे उसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि हमें अपने काम से बोर नहीं होना चाहिए। तो इसी हिसाब से हमने जो भी ये फिल्म बनाई है, और मैं जितनी भी फिल्में करता हूँ, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको अंदर एक ऐसा फैक्टर रहे कि हम अपने काम से बोर ना हो। तो हमने बहुत मस्ती की इस फिल्म के अंदर, और बाकी अभिषेक साहब बताएंगे आपको उनका क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा रहा, और क्या बोलूं। तो आप लोग फिल्म देखिए फिर। हाँ ठीक है, अभिषेक बच्चन साहब ने कहा कि अच्छा रहा। आई मस्ट टेल यू कि आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पांडे साहब, चंकी पांडे साहब जहाँ एक्टिंग सीखते थे और वहाँ के ये हमारे सीनियर होते थे, मैं वहाँ जूनियर की तरह आया करता था। तो वी यूज्ड टू लुक अपॉन चंकी पांडे साहब एंड वी यूज्ड टू वेट फॉर व्हेन चंकी वुड कम। इनकी फिल्म लगी थी आग, बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी। आग ही आग भाई, आग ही आग। हाँ तो आई यूज्ड टू बी अ बिग ह्यूज फैन ऑफ चंकी पांडे। सो यस मैम, गो अहेड। यूज्ड टू बी मींस No, now he's lost the fanness. After that, he lost the plot. Nachenge sari sari raat. बॉडी का हर पार टांग उठा के नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के। I would like to ask you that you have worked in so many genres like action and comedy and emotional, everywhere basically. So which genre you enjoy the most and which you feel is the most difficult to perform? Well, I obviously comedy is the most difficult, and enjoyment wise I enjoy everything. अभी ये comedy खत्म हो गई, I'm waiting for the release. I just want to give away comedy for a while so that I can go into some other movie. Because, you know, ek genre aap kitne din le sakte ho? You can do it for 3 months, 4 months, 5 months, then you start getting bored of it, because then it becomes a... Like when I used to do action a lot, and I used to do so much action films, mere paas aur koi film nahi thi, and I used to actually feel very... matlab itna ganda lagta tha ki every day morning I have to go and do some action film and all. I needed a change, so it will be very difficult for me to answer this, which one is the best one, which I like. But the most... difficult one is the comedy one. अमूमन देखा जाता है कि कोई भी जब फ्रेंचाइजी फिल्म बनती है तो उसका कोई इंस्टॉलमेंट है तो उसके मुकाबले पिकअप नहीं कर पाती, लेकिन आप एक ऐसे सुपरस्टार हैं इंडस्ट्री में, आपकी कोई भी सीक्वल फिल्म बनती है वो हिट ही नहीं सुपर हिट हो जाती है। तो अब आपको एक खिताब मिल गया है, वो है द किंग ऑफ सीक्वल का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बल ये बहुत अच्छा किताब है, क्योंकि अगर कोई फिल्म हिट होती है तो उसका सीक्वल बनने का मौका आता है। तो आई थिंक इट्स थैंक यू वेरी मच फॉर ये जो आपने किताब दिया। बट टू मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप वैसे आप लोग मैंने तो इतनी खिलाड़ी फिल्में की हैं, पता नहीं कुछ 9-10 खिलाड़ी फिल्में कर चुके, दैट विल यू काउंट दैट एज अ सीक्वल? खिलाड़ी सीरीज मैक्सिमम, दैट इज अ सीरीज, सम 20 फिल्म्स, नाइन फिल्म्स, 9 to 10 फिल्म्स, नाइन खिलाड़ी सीरीज, सो दैट्स द मैक्सिमम। या
अक्षय, आपने 2000 में एक फिल्म की थी हीरा फेरी, आज भी आपको उस फिल्म की कॉमेडी के लिए जाना जाता है, उसे क्रिटिकल एक्लेम भी बहुत मिला था, बॉक्स ऑफिस सक्सेस भी मिला था, लेकिन उसके बाद जितनी भी कॉमेडी फिल्म आई वो सब स्लैपस्टिक मानी जाती हैं, जिसे क्रिटिक बहुत अप्रिशिएट नहीं करते, बॉक्स ऑफिस में भले वो चल जाती हैं। तो आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, भले वो चल जाती है, मतलब सी एक जॉनर है, स्लैपस्टिक भी एक जॉनर है, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉनर, and it is a genre which is the most hardest. This is what I felt as an actor, and I always regard comedians and people who do comedy or even who do stand-up comedy, I actually look after them. I say, look, matlab unko main bahut matlab aise sochta hu ki they are one of the best actors. Chahe aap Mr. Bean le lijiye, Charlie Chaplin le lijiye, Laurel Hardy le lijiye, Mr. Keaton hai, phir Jack Black. Yeah. And all these people, they are one of the best actors we see. So I would request you, don't look down at the slapstick. Ki, bhale, humare yahan dekha jata hai slapstick comedy ko ek low hisab se, which I wish one day it changes. Slapstick is not something that we're forcing on you as a humor. We naturally tend to laugh sometimes at silly things that don't even make sense. But we do laugh at them. So as Jacqueline said, I may say to, you know, trip and fall. Like how many people can actually trip and fall, and you, when you see it in the camera, it should look like it's a real. Can you do it, sir? Come. come. We, you and I will do it. I'll do it first. Yeah, see, Akshay, come, sir, it. Sir. It's so difficult to pretend to trip. एक सवाल और आप सभी से है. नहीं नहीं ये ये पलटी है मत, बात को इधर आइए ना, इधर आइए. चेतना from Bollywood Nazar. You have been in the three franchise of Housefull. So how does it feel to be a part of them? Me or Jacqueline? I'm asking you, sir. मुझे yeah. पूछ रहे हैं आप. कैसा लग रहा है आपको ये तीन फ्रेंचाइज में, Housefull 3 के फ्रेंचाइज? हाँ, मुझे I think for the first time in three films I had the same name आखिरी पास था. मेरा कैरेक्टर कभी बदला नहीं. It's just gone better and better all the time. And I think बटुक पटेल बदल गया. बटुक पटेल भी बटुक पटेल ही है. हाँ, करेक्ट. But first, I think Akshay has got a lot of contribution to it with a lot of dialogues which we improvised on the set and made. And I think in every Housefull, we just keep making most dialogues on the set. I think it's been a lot of fun. आपको किस तरह का humor पसंद है? मुझे सब किस्म का humor पसंद है, चाहे वो black comedy हो, चाहे वो slapstick हो, every kind of humor I like. अगर हंसी आती है, so that is the most important thing. जैसे मैं आपको बताऊं, चंकी पांडे साहब ने बिल्कुल सही कहा. ये actually में कब से ऐसे ही लगते हैं? मुझे लगता है रात को जाके फ्रिज में जाके सो जाते हैं. तो तो आई थिंक इनका एक्चुअली सही राज यही है कि ये हमेशा हंसते रहते. मैंने इनको कभी दुखी नहीं देखा. मैं इनको कितने सालों से जानता हूँ, मैं इनको 27-28 सालों से जानता हूँ, लेकिन इस इंसान को मैंने कभी दुखी देखा ही नहीं है. सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सीखने के लिए कि हर इंसान को हमेशा हंसना चाहिए. दुख तो मेरे पास भी ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, सबके पास दुख कुछ ना कुछ स्ट्रेस जरूर रहता है, लेकिन फिर कमाल का आदमी वही रहता है जो हंसता रहे.